पब्लिक टीवी आपकी आवाज। ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में आश्राम बाबा केदार के क्षेत्रपाल भैरवनाथ की पूजा के साथ ही केदारनाथ धाम की कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कल बाबा की पंचमुखी चल विग्रह भोग मूर्ति केदारनाथ के लिए रवाना होगी। आज उखीमठ के भैरवनाथ की विशेष पूजा की तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते इस बार ये आयोजन सीमित कर दिया है। जगत गुरु 1008 भीमा शंकर लिंग के द्वारा आज रात भव्य पूजा की जाएगी। आपको बता दें कि 6 महीने बाद केदार का स्वर्ण मुकुट रावल जी के मस्तिष्क में रहता है, लेकिन इस बार जगत गुरु द्वारा बनाया गया 900 ग्राम का नया स्वर्ण मुकुट बाबा केदार की चल विग्रह डोली पर लगाया जाएगा। इसी के साथ कल बाबा केदार की डोली केदारनाथ के लिए रवाना होगी। परंपरा के अनुसार पूर्व दिन माने आज शाम को 7 बजे परंपरा के अनुसार भैरव पूजा हो जाएगी। वो लिमिटेड में हो जाएगा, कोरोना के देखते हुए, डिस्टेंसिंग देखते हुए उसके अनुसार वो एसडीएम के नियम के अनुसार वो आज की पूजा संपन्न हो जाएगी। और वो पूजा इस साल जो केदारनाथ जी का पूजा करने वाले वाणी सिंह की द्वारा वो पूजा परिपूर्ण होगा। और कल सुबह यहां से कम लगभग 8 बजे वो शिवरात्रि के दिन जो तय किया हुआ समय है उसी समय के अनुसार यहां से डोली उखीमठ से प्रस्थान होगी। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। बाबा केदारनाथ जी का डोली कल सुबह प्रातःकाल 8 बजे यहाँ से मुख्यमठ पंच केदार के दीय स्थान मुख्यमठ से प्रस्थान होगा। आज रात को शाम को भदोली मुहूर्त में बाबा भैरवनाथ जी का पूजा होगा और तत्पश्चात कल सुबह प्रातःकाल 8 बजे से भगवान केदारनाथ जी का हिमालय के लिए उखीमठ पंच केदार का गद्दी स्थान उखीमठ से भगवान केदारनाथ जी को डोली प्रस्थान होगा। उसके बाद डोली का रात्रि विश्राम गौरी माई का मंदिर गौरीकुंड में, उसके बाद भगवान केदारनाथ जी का जो डोली केदार गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ की तरफ भगवान प्रस्थान करेगा। 17 तारीख प्रातःकाल ब्राह्मी मुहूर्त में 5 बजे भगवान केदारनाथ जी का सर्व भक्तों के लिए कपाट खुल जाएगा। भगवान भोलेनाथ जी का सर्व आशीर्वाद सब भक्तों को सदा मिलते रहे। हिमालय के उत्तम शिखर पर विराजमान 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान श्री केदारनाथ जी दिव्य ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में हैं, जो हिमालय के उत्तम शिखर पर हैं। इस स्थान पर सर्वप्रथम नरनारायण ऋषि, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्होंने हजारों साल तक भगवान शिव के लिए आराधना करके भगवान शिव को ज्योतिर्लिंग स्वरूप में इस स्थान पर पाया और नरनारायण जी के आग्रह पर भगवान शिव जो है वहां पर ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में स्थिर हो गए। हिमालय में 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ जी के अलावा 4 केदार और हैं। केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवम सर्व पाप प्रणाशनम। जब द्वापर युग में महाभारत युद्ध हुआ, युद्ध के उपरांत जब पांडव गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या, भूत हत्या का पाप लगा, व्यास ऋषि की आज्ञा लेकर पांडव इसी दिव्य हिमालय में भगवान शिव के दर्शन के लिए आए, अपने पाप के प्रायश्चित के लिए आए। भगवान शिव ने उन्हें एक स्वरूप में एक स्थान पर दर्शन न देकर अलग अलग स्थानों पर दर्शन दिए। वही 5 केदार हुए जो उत्तराखंड के दिव्य श्रृंखलाओं पर हैं। प्रथम तक केदार भगवान केदारनाथ जी, जहां पर भगवान शिव का पृष्ठ भाग है, और अग्रभाग पुष्पतिनाथ नेपाल में निकला। अन्य 4 भाग हुए, नाभि स्वरूप के दर्शन मधमेश्वर में, हृदय बाहु के दर्शन तुंगनाथ जी में, नेत्र मुखारविंद के दर्शन रुद्रनाथ जी में, जटा दर्शन कल्पेश्वर में, जो कि हिमालय में है, उत्तराखंड के दिव्य श्रृंखलाओं पर है। जो भी मानव इस दिव्य हिमालय में आकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से इस दिव्य ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है और ज्योतिर्लिंग के साथ साथ इन 4 केदारों के दर्शन करता है, वो जीव जो है पावन होकर के भगवान शिव के सानिध्य को प्राप्त करता है। महादेव कहते हैं कि जो इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के साथ साथ इन 4 केदारों के दर्शन करता है, उस जीव को मैं भक्ति मुक्ति मुक्ति देकर हर ऐश्वर्य हर कामनाओं को परिपूर्ण करके जन्म मरण के बंधन से मुक्त करके उसको शिव सायुज्य शिवलोक की प्राप्ति करवाता हूँ। मसूरी में पुलिस द्वारा कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों पर सख्ती बरती जा रही है, जिसको लेकर कई लोगों के द्वारा मसूरी कोतवाल और पुलिस कर्मियों से नोकझोंक भी हुई। मसूरी कोतवाल देवेंद्र असवाल ने कहा कि सुबह 10 बजे तक ही लोग अपनी जरूरी काम के साथ आवश्यक सेवा की खरीदारी कर सकते हैं,
लेकिन देखा जा रहा है कि सुबह 10 बजे के बाद ज्यादातर लोग बैंक अस्पताल का बहाना बनाकर बाहर निकल रहे हैं, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को अगर अस्पताल भी जाना है तो उसके लिए पुख्ता प्रमाण रखने होंगे। वहीं बैंक का काम समय रहते ही करना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बारिश के चलते जीवनी के रायगी गांव में मकान के ऊपर बन रहे निर्माणाधीन सुरक्षा दीवार धराशायी होने से मलबा मकान पर गिर गया, जिससे वहां पर रह रही एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पत्नी और बच्चों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। घटना गुरुवार सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। बीते बुधवार रात से क्षेत्र में बारिश होती रही। गुरुवार सुबह सीमांत त्यूनी तहसील क्षेत्र अंतर्गत रायगी गांव में एक ग्रामीण के मकान के ऊपर और बन रही निर्माणाधीन सुरक्षा दीवार धराशायी हो गई। दीवार टूटने से सारा मलबा मकान के ऊपर गिर गया। जनपद पुलिस कप्तान पी रेणुका देवी के द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को पुलिस मुख्यालय से चलाई जा रही मिशन हौसला मुहिम के तहत निर्देशित किया गया है कि कोरोना काल में सभी अपने अपने थाना क्षेत्र में रह रहे बुजुर्ग, असहाय और जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद करें। इसके तहत ही आज थाना सतपुली के चौकी दुधारखाल क्षेत्र के गाँव में रह रहे ऐसे बुजुर्ग, असहाय और जरूरतमंद लोगों को थाना पुलिस टीम द्वारा राशन की 17 किटों को वितरित किया गया और साथ ही साथ कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क भी दिए गए। इस अवसर पर थाना संतोष पैथवाल द्वारा आमजन से अपील करते हुए कहा कि मिशन हौसला मुहिम से लोगों को जुड़ना चाहिए, जिससे कोरोना काल में समाज के ऐसे लोगों की मदद की जा सके। हमारे पुलिस मुख्यालय से चलाई जा रही मिशन हौसला के तहत आज हमने अपने चौकी दुधारखाल क्षेत्र में जाकर कुछ बुजुर्ग और असहाय लोगों को 17 राशन की किटें दी हैं, और जहाँ पे हमने गांव में ग्राम प्रधान के सहयोग से सभी लोगों को कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए मौके पर जागरूक भी किया है। कोरोना महामारी के चलते देश विदेश भर में सभी कारोबार ठप पड़ गई है। वहीं दूसरी ओर यदि उत्तराखंड में फल उत्पादकों को कोरोना महामारी के चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत नैनबाग के करीब नारायणी उद्यान की, जहां पर उद्यान विशेषज्ञ कुंदन सिंह पवार द्वारा बागवानी में अनेक प्रकार के फल वृक्ष लगाए गए हैं, लेकिन बाजार न होने के कारण पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोरोना काल के दौरान बागवानों को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। वर्तमान समय में बागवानी आड़ू, पुलम, खुमानी आदि अनेक फलों का काफी अच्छा उत्पादन होता है, साथ ही पर्यटक स्थलों पर इन फलों की भारी मांग भी रहती थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते बाजार न होने के कारण कुंतलों फल पेड़ों पर ही पककर खराब हो रही है। हालत यह है कि किसानों को इस महामारी के चलते भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे बागवानी में जुड़े सभी किसान बड़े चिंतित है। किसानों ने आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा उचित विपणन व्यवस्था न होने के कारण बागवानी से जुड़े लोगों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार किसानों और बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने को लेकर कई योजनाओं की बात कर रही है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हमारी साल भर की फसलें हैं और पिछले साल भी इसी तरह से लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। हमारे पास ऑर्डर्स तो आते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि लॉकडाउन में कोई भी यहाँ आने को, दूरस्थ क्षेत्रों में, ग्रामीण गांवों में कोई आने को तैयार नहीं है। जिस तरह से हम इसको, जो हमारे एंड यूजर्स हैं, वहां तक पहुंचाने में असमर्थ हैं, और आर्थिक परेशानी तो झेलनी पड़ेगी। तो लॉकडाउन में मुश्किल ये है कि जो खाने वाले हैं वो भी घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो फिर हमको मार्केट वैल्यू कहाँ से मिलेगी। कोविड संक्रमण को देखते हुए डीएम ने बेस अस्पताल में बन रहे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और आईसीयू वार्ड को 25 मई तक शुरू करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कार्यस्थल पर जाकर निर्माणाधीन कामों का निरीक्षण किया और काम शीघ्र समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने बुधवार को बेस अस्पताल में बन रहे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था एचएलएल को निर्देशित किया कि जल्द प्लांट स्थापित करते हुए ऑक्सीजन सप्लाई शुरू की जाए। डीएम ने कहा कि 25 मई तक ऑक्सीजन प्लांट शुरू करना होगा। हल्द्वानी शहर के अंदर द्वितीय चरण में राजकीय एमबीपीजी में लगातार वैक्सीनेशन कार्य चल रहा है। नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ने बताया, द्वितीय चरण में चलने वाले वैक्सीनेशन में एमबी इंटर कॉलेज में 3 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें पहले बूथ में 45 प्लस के लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है और दूसरे बूथ में फ्रंट वॉरियर्स मीडिया कर्मी, इंश्योरेंस कर्मी और बैंक कर्मी, अन्य विभागों के कर्मचारियों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। अभी जो प्राप्त निर्देश थे उसमें हमारे 2 चरणों में चल रहा है। एमबी डिग्री कॉलेज में हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स बने हुए हैं, जिसमें 18 से 45 साल के जो वर्ग के लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिन्हें टाइम स्लॉट्स मिल चुके हैं, उनका वैक्सीनेशन हो रहा है। साथ ही वहाँ पर 45 से अधिक के जो लोग हैं जिनका प्रथम टीकाकरण होना है या दूसरा टीकाकरण होना है, उनका भी होना है। साथ ही हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं
जो अदर डिपार्टमेंट्स के हैं उनके लिए भी हो रहा है, हमारे हार्ट केयर सेंटर में हो रहा है, मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। जैसे जैसे हमें टीकाकरण के लिए वैक्सीन उपलब्ध होती जाएंगी और क्षेत्र में इस प्रकार से प्रसार भी करेंगे हम, और जितना शीघ्रता से हम क्षेत्र को हम कवर कर सकें उसका प्रयास रहेगा। युवा कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी संदीप चमोली ने कहा कि वर्तमान में पुलिस विभाग कोरोना संक्रमण से लोगों की जान बचाने में युद्ध स्तर से अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रही है। वहीं उत्तराखंड सरकार पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी की सहमति से आरक्षी का ग्रेड पे 4600 से 2800 कर रही है। संदीप चमोली का कहना है कि वर्तमान प्रदेश की बीजेपी सरकार इसमें परिवर्तन कर अब 20 वर्ष की सेवा पर आरक्षी को 4600 ग्रेड पे को कम कर 2800 का ग्रेड पे वेतन देने की तैयारी कर चुकी है, जो कि पुलिस आरक्षी के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। जैसा कि हम सबके संज्ञान में आया कि लगातार पुलिस विभाग में कभी हमारा सिपाही वर्ग कभी मेस में खाना नहीं खाता है और कभी काला मास्क पहनकर अपना विरोध प्रकट कर रहा है। उनकी मांग सिर्फ इतनी कि 20 वर्ष की नौकरी जो भी कर्मचारी पूरा कर चुका है उसे 4600 पे कर दिया जाए और जो न्याय एकदम न्याय संगत मांग है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से सरकार ऐसे कर्मचारी जो 20 वर्ष की अपनी नौकरी पूरी कर चुके हैं उनको 4600 पे ग्रेड देने का काम करें, जिससे कि कर्मचारियों में हीन भावना ना आए। इस कोरोना काल में जहां एक तरफ आप पुलिस कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स कहकर पुकार रहे हैं, तो साथ साथ हमें उनके मनोबल का भी विशेष ध्यान देना होगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।